हाँ जी चलिए शुरू कर दें। तो आज एक फोन आई है हमारे पास। क्या आई है आज भी? फोन लिए हैं एक आया। तो उसको हम अनबॉक्स करना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ बचा नहीं है, पेंच कर रहे हैं। बताओ। हाँ डैगर था, डैगर पता नहीं कहाँ मिला नहीं मुझे, तो हम लोगों ने कहा चलो इसी से कर लें, शुरू कर लीजिए। वेलकम टू अक्षय व्लॉग्स कर दो। हैं हाँ वेलकम टू अक्षय व्लॉग्स। अक्षय व्लॉग नया फोन आया है भाई, मुबारक हो आशीष भैया। मुझे बट कितने फोन हो गए भैया आपके पास? काफी हैं, पता नहीं कितने, हमने गिनने बंद कर दिए हैं। चार, ये पांचवा है भैया। मुझे इसकी टैगलाइन बड़ी अच्छी लगी है, ये है फ्री फायर इन्फिनिक्स, इन्फिनिक्स नोट 11S। नाइस यार, बॉक्स तो सही लग रहा है। फीचर्स बहुत है इस फोन में। अच्छा मेड इन इंडिया है? हाँ नाइस यार। देखेंगे तो 120 हर्ट्ज की स्क्रीन है, G96 MediaTek का प्रोसेसर है, 33 वॉट का वॉर्प चार्जर जो बोलते हैं वो है, 5000 एमएएच की बैटरी है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वाइड एंगल वाला, सॉरी जो मेन कैमरा होता है, बाकी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है शायद, और डुअल स्पीकर्स है। ये ना जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का, 120 गीगाहर्ट्ज़ खोलो और 8+128 GB वाला कॉन्फ़िगरेशन है हमारा। ओ हाँ अच्छा नाइस है। तो पिन्नी उतार दी आशु भैया ने, और अब हम इसको अनबॉक्स करते हुए, स्टिकर है उस साइड भी होगा, एक इस साइड भी होगा, गोंद लगी हुई है, बॉक्स सही सा लग रहा है। पकड़ने में तो मुझे आईडिया नहीं, बट क्वालिटी तो सही लग रही है हर चीज की। फिनिश इन्होंने वैसी दी है कार्बन फाइबर फ्रंट में, हो जाएगा आज? हाँ भाई कोशिश तो है, चिपका हुआ तो कुछ नहीं है, छोड़ दो यार। देखो आज भैया कह रहे दोस्तों आज हो जाएगा, तो आज 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 का आप इंतजार करें, आज भैया कर देंगे। हो गया अरे हो जाएगा हो जाएगा हो गया। तो ये नोट 11S है, मॉडल का नंबर फिर से वही बताता हुआ कि G96 मतलब देखने में सही लग रहा है अंदर, क्योंकि मीडिया टेक का प्रोसेसर है तो गेमिंग को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में देख के बनाया होगा। अच्छा चार्जर है 33 वॉट का, 33 वॉट यार बहुत होता है यार, फोकस नहीं हो रहा, रुको यार कहे नहीं हो फोकस यार। 33 वॉट का चार्जर है, केबल टाइप सी टू टाइप सी है, टाइप नहीं टाइप ए टू टाइप सी, देखिए हाँ टाइप ए टू टाइप सी, यूएसबी है ना बेसिक, यूएसबी टू टाइप सी। डॉलर्स दिए भैया, चलो यूएस चलें? नहीं क्लब यूएस डॉलर है, नकली डॉलर। कवर भी दिया, बैक केस दिया है, कल इसमें टेम्पर ग्लास लगेगा, आज तो नहीं लग पाएगा क्योंकि आज है रात्रि वेला। ओ अच्छी है, नहीं सर मैट फिनिश नहीं, सिलिकॉन टाइप का लग रहा है लेकिन अच्छा फिनिश, हाँ फिनिश अच्छी दिया। तो चलिए फोन को हम पहले ऑन करते हैं। नहीं पहले तो हटा, बिल्कुल एप्पल की तरह ऊपर का पेपर दिया है ना 13 की तरह। कवर चढ़ा दो पहले। नाइस यार, सो क्वालिटी वाइज देखने में तो मुझे बहुत, मैंने पकड़ा नहीं है बट प्रीमियम है यार, नहीं प्रीमियम फोन है। ये टच स्क्रीन वो है, फिंगरप्रिंट स्टार्ट कर लिया, तो इसको ऑन कर रहे हैं अपन लोग और बाकी सेटअप करके शुरू करते हैं, वापस बताएंगे आपको। तो XOS करके आई थिंक इसका पर्टिकुलर OS होगा, जैसे सैमसंग का आता है वो है, और इंग्लिश रखेंगे हम अंग्रेजी, नेक्स्ट करते हैं, बाकी सेटअप करते हैं अभी पर। तो ये फ़ोन तो सेटअप हो चुका है, बेसिक जो होना था स्किप कर दे ऊपर कोने में। ओह डिस्प्ले आ गया, अभी तो वो होता है कि आप नेक्स्ट कर लो नेक्स्ट कर लो। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, इसमें एक टेम्पर्ड ग्लास भी आया, मतलब स्क्रीन गार्ड कह सकते हो आप फ्रंट के लिए, और बैक के लिए तो कवर आया ही है, और सिम इजेक्टर टूल भी है, तो ध्यान नहीं दिया था। एक बार इसको खोल के देखना, इसमें सिम डुअल सिम है कैसा है या फिर हाइब्रिड सिम है? तो डुअल सिम तो लिखा हुआ था इस पर, बट आई एम नॉट श्योर, माइट बी
डुअल प्लस हाइब्रिड होगा, देखते हैं उसका डिब्बा का। तो सिंगल सिम डुअल, डुअल से डुअल सिम है, एक आगे एक पीछे, हाइब्रिड नहीं है, मतलब मेमोरी कार्ड नहीं है ना। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो है तो सिम एक ही लगने का दिख रहा है हिसाब किताब को मुझे, बाकी मैं देख के बता दूंगा। फोन होता हुआ चालू, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन खिलाड़ियों का है शुभिया, बहुत बढ़िया डिस्प्ले तो अच्छी लग रही है भाई, है ना। और इसमें 3.5 का जैक भी है, स्पेस मतलब काफ़ी, फ़ोन हल्का है लाइट वेट है, बट देन ऑल्सो 3.5 का जैक लगा दिया। बताओ तो जी, फ़ोन पे टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया हमने, टेम्पर्ड या स्क्रीन गार्ड जो भी बोलो वो, और भैया अब इस पर कवर तो लगाएंगे, क्लीन है पूरी की पूरी। हाँ एक खाली सिर्फ फ्रंटर है और बाकी कुछ नहीं है। 50 मेगापिक्सल कैमरे, हम मैं इसके फोटो खींच के 2-3 डाल दूंगा, इससे फोटो कैसे आए हैं, एवं फिंगरप्रिंट 3.5 का जैक। थोड़ा जोर से बोल देना, बोलना है तो पैटर्न ना। ये 3.5 का जैक है, चार्जिंग, स्पीकर, माइक, ये सिम इंजेक्टर सिम की ट्रे, ट्रो है, ट्रो है सिम ट्रे, ये सिम ट्रे है, बाकी फ्लैट है। फिनिश तो अच्छी है, पीछे ग्लास फिनिश सी लगती है, पर हाथ रखोगे तो मैट सा लग रहा है मुझे। 50 मेगापिक्सल का है और क्वाड कैमरा है सेटअप। वॉल्यूम अप एंड डाउन का है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है यहाँ पे। अब देखते हैं जरा ब्राइटनेस। इसके जो कैमरे हैं, जो सेल्फी 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले है, हाँ ये वाला ठीक है, और 1.6 अपर्चर के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। अब जरा एक वीडियो चला के देखते हैं भाई। ओके भाई साहब, अक्षय व्लॉग ही चला देते हैं। ओके भाई साहब, तो भैया वीडियो चलाते हुए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन खिलाड़ियों का। तो कौन सा वीडियो चलाया है फिर? वैसा भी चला दो, तो ये वाला चलाते हैं। तो ये पुराना वीडियो है जो जो लद्दाख वाला था, तो क्वालिटी तो ठीक है। शक्तिमान का चलाना जो शक्तिमान, हाँ शक्तिमान चलाने को, शक्तिमान का टीजर देखते हैं इस पर थोड़ा सा क्वालिटी वाइज इसकी, क्योंकि सोनी ने जो नहीं, वॉल्यूम भी अच्छे है। बाकी इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स होंगे, वो भी मैं चलाऊंगा तो उसके बाद कुछ कुछ डाल दूंगा ऐड करके वीडियो में। ये वैसे जो फ़ोन है, इसका जो प्राइस था कंपनी ने जो इसको लॉन्च किया था, वो तकरीबन 17,500 या 18,000 पे लॉन्च किया था, हाँ 18,999 पे। ओके, बट ये फ्लिपकार्ट पे एक सेल आई थी जो कि थी और ये 63 में इनका ऑफिस है कस्टमर केयर का, तो मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया, तो इसकी वजह से शायद ये इतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है फीचर्स के साथ। और उसके अलावा इस फ़ोन की अच्छी खासियत भी ये है कि इसका बैटरी बैकअप, 5000 mAh की बैटरी है, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा ही होगा जहाँ तक है। बाकी इसके साथ ये इसका बैक कवर आया है, एक वो लगा के और देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। और ये हमें तकरीबन प्राइस जो पड़ा है, फ्लिपकार्ट पे सेल थी, फ्लिपकार्ट पे सेल के बाद वो पड़ रहा था तकरीबन 15,500 का, बट ये कुछ कारणों की वजह से, ना बताए जाने वाले कारणों की वजह से ये अमेज़ॉन से आया है, एवं ये पड़ा है करीबन 16,500 रुपये का। तो 16,500 रुपये में आपको 8 GB प्लस 128 GB रैम अगर आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक सेकेंड अगर मैं आपको दिखाऊं आगे, इसकी सेटिंग्स में चलते हैं एक बार, इसका मेमोरी वगैरह देख लेते हैं,
कहाँ सेटिंग्स भैया? आगे ले रहे हैं। अच्छा हाँ, सेटिंग्स और अबाउट करके कोई सेक्शन होता होगा इसमें। मैं एंड्रॉयड एज अ अनदर फ़ोन काफ़ी टाइम बाद चला रहा हूँ तो मुझे धीमी धीमी टाइम लगेगा, इसमें तो नहीं है। ये माई फ़ोन क्लिक कर। अच्छा हाँ, अगर आप देखेंगे तो इसमें डिवाइस का नाम है इन्फिनिक्स नोट 11 5। ये इनका मॉडल है X698। लेटेस्ट वर्जन विद 11 एंड्रॉयड आता है। CPU हेलियो का है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल जैसा हमने बताया, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, रोम 128 और 8 GB रैम, 5000 mAh की बैटरी है, 1080x2460 का पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन है, एवं 2 इसके वर्जन और बिल्ट सॉफ्टवेयर है। वारंटी कार्ड लीगल इन्फॉर्मेशन वो भी आपको यहीं मिल जाती है। और बाकी अभी हमने खास चेकिंग करी नहीं है, वो अपन करेंगे। फिंगरप्रिंट मैंने इसमें रजिस्टर कर ही दिया है, प्लस इसमें एक वो वाला फेस आईडी भी मैंने करी दी। फेस आईडी अच्छे से, तो एक बार फेस आईडी भी ट्राई करते हैं। तो वो देखो अनलॉक हो गया, थोड़ा सा स्लो है बट पता नहीं चला ना, लेकिन मतलब है नहीं, राइट पता चल गया, आ गया हो गया। तो वो थोड़ा सा स्लो है बट बेटर है, 15-16 हज़ार रुपये में क्या बुरी चीज़ है, बट फोन अच्छा है। 5G है सर? हाँ 5G है। तो बस बाकी इसकी फोटोज वीडियोस वगैरह बना के आगे देखते हैं, काफी जो जो फीचर्स पता चलेंगे मैं बताता हूँ। तो जी जैसा हमने आपको बताया था कि शायद इसके अंदर हाइब्रिड ट्रे हो गया कुछ होगा, तो कमाल की बात है इसके अंदर एक SD कार्ड है। अगर आप देख रहे हो तो आपको SD कार्ड वो राइट टॉप कॉर्नर में दिख रहा होगा, SD लिखा हुआ ड्रॉप डाउन के साथ। अगर मैं वैसे दिखाऊँ तो ये दिख रहा है, देखो लिखा हुआ SD करके है ना, ये SD है, यानी कि ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है। और अगर आप ये देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा सा जो स्टील है उस पर लिखा हुआ, देखो S1 and S2 राइट है ना। तो भाई कमाल की बात है, 16-15-16 हज़ार रुपये के फ़ोन में मेमोरी कार्ड एक्सटेंडेबल मेमोरी कार्ड भी है, जो कि 128 GB बाई डिफ़ॉल्ट दे रहा है, उसके बाद आपके पास वो भी है। तो मैं अभी सिम ट्रे लगा के और ये दिखाता हूँ आपको कि कैसे है फाइनल। मैंने एक तरफ तो मेमोरी कार्ड लगा दिया है और दूसरी साइड बिकॉज एक ही सिम है मेरे पास, तो मैं एक ही सिम लगा रहा हूँ, बट सेकेंड सिम यहाँ लग सकती है जहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, राइट। तो अमेजिंग थिंग। हाँ तो जी, मुझे तकरीबन एक हफ़्ता तो नहीं बट हाँ 3-4 दिन हो चुके हैं इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए, इन्फिनिक्स फ्री फायर को। नोट 11 बहुत ही सही फ़ोन लगा मुझे बजट में। तकरीबन 15 हज़ार का फ़ोन है ये, जो आपको पड़ जाता है अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से लेते हैं, अगर ऑफिस वगैरह के बाद। करीबन 7.5 इंच की इसकी फुल HD डिस्प्ले है, और बाकी फ़ीचर्स तो हम आपको बता चुके हैं। परफॉर्मेंस भी मुझे इसकी अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो, और काफ़ी स्मूथ स्क्रीन है इसकी, काफ़ी फंक्शनैलिटी भी इतनी वो है, मतलब नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज मुझे अच्छा लगा। बट कैमरा मैं कह नहीं सकता कि इतना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा या कुछ है, कैमरा ठीक है, मतलब कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा कंट्रास्ट ज़्यादा भर देता है फ़ोन अगर आप कुछ क्लिक करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, बट परफॉर्मेंस वाइज ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 15 हज़ार का बजट है, उसके अलावा अगर आपको कुछ और देखना है, जो मुझे इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ लगी वो रैम का यूसेज है। अगर आप वैसे ही जो फ़ोन है ये 8 GB प्लस इंक्लूडिंग 128 GB है, बट अगर आप देखोगे इसके अंदर ये गौर से देखोगे तो लिखा होगा 8 GB प्लस 2 GB मैम फ्यूजन। सो वो टोटल करीबन मैंने जो कर रखा है 8+3 अलाउड होता है, बट मैंने 8+2 रखा हुआ है, विच मीन्स दैट जब ज़रूरत पड़ती है अगर गेमिंग वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसको एडवांस करके 8 से 10 GB तक ले जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। स्क्रीन थोड़ी सी मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी है, पिंच होल कैमरा है, सेल्फी कैमरा भी ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज सच में स्मूथ है फ़ोन, इतना वो नहीं है एंड्रॉयड वाइज जो बोला जाता है कि एंड्रॉयड्स थोड़े से स्टक हो जाते हैं, मे बी नया है इस वजह से थोड़ा सही लग रहा होगा, बट हाँ ओवरऑल आई लाइक द फ़ोन। आई वुड से इट्स अ गुड बाय। मेक इन इंडिया स्टार्टअप के थ्रू है, तो अगर आपको मेक इन इंडिया में कोई फ़ोन उठाना है तो इट्स अ नाइस फ़ोन, मैं कहूँगा कि हाँ आप ले सकते हैं।
तो आज के लिए यही रिव्यू है, अनबॉक्सिंग थी, रिव्यू तो क्या ही था, बाकी रिव्यू इसका करीबन एक दो महीने बाद फिर डालेंगे, एक दो महीने में अगर कुछ प्रॉब्लम आई है या फिर कैसा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।